मैं रिजवाना सर, और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज। बहुत से खारीन हमको फोन करके हमेशा ये शिकायत थी कि नशे में न्यूज सब लोगों का इंटरव्यू करते हैं, सब लोगों की बात पहुंचाते हैं, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस के लीडर हो या जेडीएस लीडर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कई और लीडर्स हो। बहुत से लोग हमको फोन करके ये भी पूछा है कि बीजेपी के माइनॉरिटी लीडर्स हैं, उनके एक बार इंटरव्यू कीजिए, उनकी हाल और चाल पूछिए और क्या हो रहा है। तो इसलिए आज हमारे स्टूडियो में बीजेपी मोर्चा के माइनॉरिटी मोर्चा के लीडर्स मेरे साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त मुजम्मिल साहब हैं, जो कर्नाटका माइनॉरिटी मोर्चा के सदर हैं। हाफिजुर रहमान साहब हैं, जो सेक्रेटरी हैं मोर्चा के, और हमारे बेंगलुरु सिटी के शाहिद अहमद साहब, जो बेंगलुरु बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर हैं, और हमारे मोहिदीन साहब हैं, हज कमेटी के मेंबर हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि मुसलमान जो बीजेपी में हैं, उनकी आप जमने से कितने साल से हैं, आपको कैसा देखा जाता है सोसाइटी में, खासकर हमारी कौम में आपको कैसा देखा जाता है? आप 1992 से बीजेपी में हैं, क्या हो रहा है आपके साथ और आप कैसा लेके चल रहे हैं इतने लोगों को? बीजेपी में 1992 से अल्हम्दुलिल्लाह हूं मैं। उस वक्त से बहुत से मुश्किल दरपेश आए हमारी कौम की तरफ से, जो धिक्कार हुई सब कुछ, इसके बावजूद भी बर्दाश्त करते हुए, और मैं ये मैं आपको बता के खुशी और मसरत महसूस करता हूँ, 1992 से बीजेपी में भी हूँ और आरएसएस में भी हूँ, क्योंकि दोनों का एक मेंबर हूँ मैं। तो दोनों तरीके से जो है, और कौम को बहुत झेलना पड़ा, मगर रफ्ता रफ्ता जो है कौम जो है हमें अपनाना शुरू किए। आप एक मुसलमान हैं और बीजेपी में, और आप यहाँ कह रहे कि आरएस में जम रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी से आप कैसा बात करते हैं? नहीं बिल्कुल, देखो मुझे आज तक जो है आरएसएस से हो या बीजेपी से हो कुछ भी फर्क महसूस नहीं हो। देखो आरएसएस और बीजेपी दोनों जो है एक देशवादी पार्टी है, कौमवादी पार्टी है, क्योंकि देशभक्ति जो है हर एक का फर्ज बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक का वतन के लिए मर मिटना जो है शहादत का मर्तबा भी रखता है। क्योंकि हदीस नहीं है, आप सवाल वो आपकी आपकी सोच है, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान जो भी आप लीडरान हैं, आपके साथ बहुत से ये हैं, आप बीजेपी में आपका क्या रोल है, क्या आपकी बात सुनी जाती है, क्या आपको वही इज्जत वही मर्तबा दिया जाता है कि दूसरी पार्टी में देते हैं, और आपकी बात अभी जब बोलते हैं तो आपकी बात सुनते हैं क्या लीडर? अल्हम्दुलिल्लाह जो है दूसरे पार्टियों के मुकाबले बीजेपी में सबसे ज्यादा सुनते हैं मुसलमानों की, और हद से बेहद इज्जत भी है मुसलमानों की, रुतबा है, दर्जा है, मगर हम लोग जो है उसे मेंटेन करके चलना हमारे में है। हमारी बात को जो है बाकायदा इज्जत देते हैं, जो हम कहते हैं वो कर गुजरते हैं बीजेपी वाले और आरएसएस वाले। आप कितने साल से हैं? मैं 2008 से बीजेपी में हूँ। और क्या है आपकी पोजीशन? मैं भी फिलहाल तो स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी हूँ, बेंगलोर अर्बन में मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट था, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में भी हूँ, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है पार्टी के अंदर। हज कमेटी में आप, तो एक सवाल ये उठता है कि जब से बीजेपी आई है कोई बोर्ड में चेयरमैन नहीं है, चाहे उर्दू अकेडमी हो या हज कमेटी हो या वक्फ बोर्ड हो, चेयरमैन नहीं है, और आप कितने साल से हैं और आप इसके बारे में क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2007 से बीजेपी में जमा, उससे पहले मैं ना तो कोई पार्टी से वाबस्ता ना तो मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन था। मैं जब बीजेपी में जमा तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहता, मैं सच को सच कहना चाहता था, शायद उस सच से किसी को अच्छा लगे किसी बुरा लगे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बचपन से यही बात सुन रहा था हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब। आज तक मैं बहुत से दानिश्वरों से पूछा, बड़े 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 जो भी दानिश्वरों से पूछा, ये गंगा जमुना तहजीब है क्या? आज तक कोई मुझे गंगा जमुना तहजीब दिखाई नहीं, गंगा जमुना ताजी कोई नहीं, सिर्फ एक ही है राष्ट्रवाद, बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए आरएसएस वगैरह। दूसरे लोग राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद है या ना है वो बोलना नहीं, पर राष्ट्रवाद रहना और दिखाना में कुछ बहुत फर्क है। तो
तो आप ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रवाद है, दूसरे लोग पे नहीं? नहीं, दूसरों को मैं राष्ट्रवाद है ही नहीं है ना, मैं कैसे जज कर सकता हूँ? मेरे एतबार से जो जमात या पार्टी देश के हित में खड़े रहती है उसके साथ जुड़ना, क्योंकि जब तक देश रहेगा तो हम समाज रहेंगे। अगर देश ही नहीं रहा तो समाज, पार्टी, मजहब, जात पात कोई मान बेमाने रखते हैं। शाहिद साहब, आप बेंगलुरु सिटी बीजेपी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, आप कब से हैं पार्टी में और क्यों पार्टी में जमे आप? मैं आपको बीजेपी पार्टी में एसोसिएट हूँ 2010 से। मैं अशोक नारायण सबके साथ बहुत काम करता हूँ, रेगुलरली मेरा पूरे एक्टिविटीज में रहता था, बट जिम्मेदारी जो है मेरा काम को काबिलियत देखो मुझे 2020 में मुझे पार्टी स्टेट का प्रेसिडेंट बना मिले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, तो तब से मैं हूँ। और जैसा आप ये है जो मैं जब से बीजेपी में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा क्या भी मुसलमान अगर सेकंड क्लास ट्रीटमेंट तो नहीं है पार्टी में, तो मैं गए तो यू विल गेट द सेम रेस्पेक्ट, द सेम डिग्निटी, क्या भी चीज़ को हम ये नहीं है। और रहा बाकी देखो क्या है, अब एक्शन स्पीक्स करते नहीं, अब वही साहब हमारे येडियुरप्पा साहब से हमने ये बार हमारे सदर साहब सब हम लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट करे थे कि जो फंड है बस नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी का, तो 1500 करोड़। क्योंकि बीजेपी में ऐसे लीडर्स हैं कि हमेशा बयान उनके अलग आते हैं, बोलते हैं कुछ हैं, और आपको अहदा सिर्फ माइनॉरिटी मोर्चा का अहदा है, मेन पार्टी में अहदा नहीं है, तो इसके बारे में मेन पार्टी में होने के वास्ते क्या है, हमारी काबिलियत भी जरूरी है, हमारी मैच्योरिटी भी आना जरूरी है पार्टी के आइडियोलॉजी समझने ये सब चीजों के वास्ते। तो जब इंशाल्लाह हमने आप जैसा सेंट्रल में दूसरे लीडर्स हैं जैसे शाहनवाज हुसैन या दूसरे स्टेट्स में लीडर्स हैं सब जगह ही, इंशाल्लाह हमने भी अच्छा पार्टी में होदा मिलने की उम्मीद है और जरूर मिलता है। सिर्फ क्या है तो पार्टी में अब हमारा भी पार्टी के वास्ते क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारी कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन? 2 साल हुआ येडियुरप्पा की गवर्नमेंट आने पर, उसके कबल मुसलमान की तरक्की क्या हुई? मैं जानता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुई मुसलमानों की तिजारत में क्या हुई, या मुसलमान माले में, या मुसलमान को एम्प्लॉयमेंट में क्या हुई, ये आप मेरे को बताइए और आप क्या करें। बीजेपी के अंदर जो है अभी 2 साल से जो है फिर क्राइसिस चल रहे, कोरोना आ गया पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड वाइड पूरा कोरोना आ गया, तो उसमें हर काम ठप हो गया, कोई काम आगे बढ़ने को यही नहीं था। फिर भी देखो कोविड का फिर आगाज शुरू हुआ है, तो इसमें जो है हर एतबार से ना सिर्फ के हिंदुस्तान बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड रुकावटें पैदा हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो उस बिना पे जो है हर एक को ना सिर्फ के मुसलमानों को एक कौम को हर कौम को जो है थोड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। अभी बहुत मसाइल और मसले उठ रहे हैं, मैं फर्स्ट मसला आपसे लेता हूँ कि DJLA और KJLA का मामला हुआ, इतना बड़ा फसाद हुआ, आप लोग का रोल क्या था, क्यों नहीं तो जहां भी देखे सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स उलमा इकराम गए, बीजेपी के जो आप लोग हैं आपका कोई रोल नहीं है, आपका कुछ ये इल्जाम आते हैं, मैं सवाल कर रहा हूँ, तो आपका कुछ रोल नहीं था, आप कुछ नहीं करे, जाके जो विक्टिम्स को नहीं मिले, जो शहीद है उनसे नहीं मिले, आप कंपनसेशन नहीं दिए, ना पुलिस कंप्लेंट आप जाके किए जो नवीन था उसे शख्स नहीं किए, ना आप होम मिनिस्टर से कुछ वादा किए, या उलमा इकराम से नहीं मिले, तो आप क्या कर रहे हैं? उलमा इकराम से मिलने का सवाल नहीं है, होम मिनिस्टर से बाकायदा मिले, CM से मिले, मिलके गुफ्तगु किए, और हमारे अजीम साहब भी इसके तल्लुक से जो है हंसे बहुत कोशिश करके जितने हो सके उनको निकाले, मगर क्या है बीजेपी जो है आउटरीट आके झंडा पकड़ के प्रचार करके काम नहीं करती, वो मख्फी से काम करती, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है, 500 से ज्यादा बच्चों को अंदर एक साल कबल लेकर 9 महीने 10 महीने हो गए, उसमें आधे से ज्यादा छूट गए, आप लोग का डेलीगेशन नहीं गए, आप लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इल्जामात है, मेरी बात सुन लीजिए, ये मेरा मैं कोई पार्टी से वाबस्ता नहीं है, मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सीधा सच बोलने वाला हूँ, तो आप क्यों जाकर अब तक विजिट नहीं किए, या कोई लॉयर नहीं रखे, या बच्चे को नहीं छोड़ा, ये इल्जाम आता है? नहीं, हमारे कौम के जो है तरफ से बाकायदा वकालत चल रही है, नहीं आपकी तरफ से, हमारी तरफ से भी बाकायदा गए, हम लोगों भी गए, अब यहाँ क्या है कि देखो कांग्रेस JDS ये सब जो है आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो बीजेपी को किस नजर से किस ढंग से देखते हैं ये लोग, बीजेपी जितना भी
सेक्रीफाइस करो, बीजेपी जितना भी ये करो, मगर काम नाम क्या है हमारे उलमा के अंदर, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, एक उनके जहन में बैठ गया है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, 70 साल 60 साल से गवर्नमेंट हुकूमत की कांग्रेस वाले, मुसलमानों की क्या बहबूदी की है? बीजेपी के हुकूमत आने के बाद कर्नाटका में फर्स्ट टाइम येडियुरप्पा साहब और सदानंद गौड़ा साहब हजगर बनाए, हजगर से आज हजगर की वजह 50 करोड़ रुपये दिए, आज हजगर की वैल्यू 100 से 150 करोड़ रुपये है, और हज की सब्सिडी जब वाजपेयी जी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है तो पासपोर्ट आसान कर दिए हो। अगर नहीं, वो नहीं, ये डीजेली केजेली के मामले में बहुत से लोग शिकायत है कि उनको विक्टिम्स को जाके नहीं मिले, उनका कुछ नहीं हुआ, उसकी तहकीकात नहीं हुई, वो नवीन बेल में आ गया है। इसमें क्या है, फसाद डालने वाले खुद कांग्रेस वाले थे और मरहम लगाने वाले भी, झूठी मरहम लगाने वाले भी कांग्रेस वाले ही थे। आप बहुत अच्छे से जान, नवीन कौन है, नवीन कौन है, एक उधर के मुकामी एमएलए का भतीजा है, भतीजा है भांजा है, तो वो खुद उनमें इन्वॉल्व है। और जैसा जब मासूमों को बहकाए, मतलब हर मुसलमान है ना नबी के नाम पे है ना, जो जोशी लावंता है, नहीं वो एंक्वायरी जनरल ने कौन किया, वो नहीं मेरी बात, आपका रोल क्या है? हमारा रोल जो है इसमें बसवराज जो है, बसवराज की और अखंड श्रीनिवास मूर्ति की आपस की थी संपत राज की, उनकी जो दुश्मनी की वजह से जो है हमारी कौम कुर्बानी का बकरा बनी, हमारी कौम का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन लोगों के आपस की लड़ी की वजह से जो है। तो आप लोग क्यों नहीं रह गए, और आप लोग बाहर आके क्यों नहीं बोले कि ये कौम का बच्चों का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा था? हमारा डेलीगेशन होम मिनिस्टर साहब के पास भी गया था, चीफ मिनिस्टर साहब को भी हम मेमोरेंडम दिए हैं, उसमें हमारे अध्यक्ष जी, हमारे हज कमेटी मेंबर मोइन साहब सभी उसमें शामिल भी थे। हम लोग जो अपनी तरफ से जो कोशिश है, जो हम गए, जो भी बेकसूर मासूम है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना करके हम लोग खुद उसमें अभी जो जेल में है उनको, उनके लिए क्या रिया हो रहे ना, रिया हो रहे, रिया हो रहे, इंशाल्लाह आपकी तरफ से हो रहे, लॉयर लड़ रहे हैं हमारी तरफ से, ताई दे दायरों को, और लॉयर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिलीज भी हो जाते हैं। एक और मसला हुआ कि गौकशी का मसला हुआ, बिल पास हुई, आपको मालूम है किस हालत में पास हुई और कितने हमारे कौम के आदमियों को परेशानी हुई गौकशी से, और आज बहुत तकलीफ उठा रहे हैं इसके बारे में, गौकशी के बिल के बारे में जो पास हुई और जो अभी आज तकलीफ हो रही है, आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? गौकशी का जो है ये बिल आज की नहीं है, ये 1954 की बिल है, तो इसे अब सिर्फ इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इसके लिए हम चीफ मिनिस्टर से गुजारिश भी करके हैं कि इन लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए। जो जो हमारे बिल वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 1954 में ही पास होकर है, तो 54 में जब पास होकर है तो उसको जो है हम लोग मॉडिफाई करके, अभी भैंस काटने का है 13 साल की गाय के ऊपर जो है जो भी है उसको काट, भैंस उसको काट से काट सके दबा कर सकते हैं, बल्कि कानून है, तो इस हिसाब से वो करके जो रिहैबिलिटेट करने का है, जो उनकी आमदनी में जो तंग दस्ती आ रही है उसको कुछ ना कुछ करने के लिए गवर्नमेंट से हम बाकायदा आप जाके बीफ मर्चेंट एसोसिएशन के सदर से मिले या कोई मीटिंग कराया? वो सदर खुद मेरे पास आए थे जी, बात किया, हम उनको भी बात करके इत्मीनान जबान दे के भेजे हैं, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से कार्रवाई की जाएगी। एक माफ करना बीच में क्या है, अब जैसा बीफ का जो आप बोल रहे हैं बीफ खाने, ये पहली बात क्या है, मैं ये बार बार बोलना चाहता हूँ कि बीफ खाने वाले मुसलमान 20% भी नहीं है, मुसलमान बीफ खा को जीरा खा को बदनाम करने का ठीक है, पहली बात 20% मुसलमान भी बीफ नहीं खाता, 20% बहुत ज्यादा खाता, उससे कमीज खाने वाले हैं पहली बात, और ऐसा नहीं खाली बीफ खा रही, खाना नहीं खा रही, तरकारी नहीं खा रही, चावल नहीं खा रही, सब खा रही, बीफ पार्ट ऑफ द डाइट है सर, नंबर वन, और डाइट में तुम्हें बीफ खाने के बजाय मटन भी खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, क्या बीफ का जीरा का बीफ, एक खाने खाली एक जो आदमी गोश्त ले नहीं सकता गरीब, तो गरीब के लिए था और सब लोग खाते थे, पर तिजारत जो हुई और जो नुकसान हुआ वो सिर्फ हम लोगों को ज्यादा हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ, अब क्या है, अब जैसा अब वेजिटेरियन भी गरीब आई उन्हें गोश्त नहीं खा रहे जीरी नहीं क्या, ठीक है, मैं बीफ खाकर जीना जरूरी नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीफ नहीं खाते, खाली शायद आप कुरान और हदीस देखे तो जायज बोलकर खराब कर रहे थे, बट बीफ खाए नहीं उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कुरान और हदीस आप भी जानती, अगर से मैं गलत रहा तो मुझे सही करो, नंबर वन। नंबर टू रहा बाकी तिजारत और लाइवलीहुड की बात,
लाइवलीहुड की बात के वास्ते क्या है, देखो बीफ स्टॉक पर कोई बैन कर कोई बराबर, उसमें नो डाउट 90% या 100% मुसलमान वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, गाय खरीदने से काटने से सब चीज के वास्ते। मगर मैक्सिमम बीफ एक्सपोर्टर्स कौन है? अच्छा ठीक है, वो एक्सपोर्ट यहाँ लोकल जो है ना, अब उनकी बात करते हुए, अब उसमें क्या हो रहा है, अब जैसा तुमने मालूम है यूपी बिहार ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में लिकर बैन कर हुई, एक एग्जांपल दे रहा हूँ गुजरात गुजरात ये सब स्टेट्स में लिकर बैन कर हुई। ये लिकर बैन करने की वजह से क्या है, लिकर के डीलर पूरे लिकर बिजनेस वाले बार वाले रेस्टोरेंट वाले सब जगह का रोजगारी ठप हो गई, उसका ये मतलब कि अब उनको रोजगार बंद करना नहीं है। अभी आप भी बोल रहे हैं नहीं, अभी ये हुकूमत सिर्फ गोवा में बैन नहीं हुआ, मिजोरम में भी गया, अभी केरला में भी, और आपके मैनिफेस्टो तमिलनाडु में भी आप बोल रहे हैं बैन करेंगे। ये जो बोल रहा हूँ प्लीज करो, ठीक है, इतने स्टेट्स में लिकर बैन कर पाए, तो लिकर बैन करने की वजह से क्या है, कितना की एम्प्लॉयमेंट गया, गवर्नमेंट का कितना की रेवेन्यू गया, इट इज नॉट इंटेंशनली दैट मुसलमान का एम्प्लॉयमेंट खराब करना करको, एज अ पार्टी प्रिंसिपल वो करको ही डिसीजन, मगर उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन फार्मर्स को भी बहुत सी तकलीफ हो रही है करको, अब बारह बाहर निकल रही, अब इंशाल्लाह देखेंगे आगे चल को हो सकता है वो वापस भी ले सकती, क्या भी ऐसा नहीं लेना सकते बोल के नहीं, नहीं, नहीं आप इस बारे में सीएम से मिले नहीं, इस बारे में सीएम क्या है, तो ये डिसीजन सीएम का नहीं है, पीएम लेवल से डिसीजन हुआ है, अगर से ये सेंट्रल लीडरशिप से ये बात तय हो पाए कि दिस इज द पार्टी मैनिफेस्टो, अब उसके वास्ते अब हमें सीएम से मिले तो उसका हमला सीएम के पास मिलने का नहीं है, जो पार्टी मैनिफेस्टो है वो इम्प्लीमेंट कर पाई। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दूसरे लोग जो तो इल्जाम लगा रही तोहमत लगा रही क्या मुसलमान का प्रोफेशन को डैमेज करने के वास्ते कर रहा हूँ, इट इज रॉन्ग परसेप्शन रॉन्ग व्यू दे रही सोचता, एक गाय स्काउस लेटर बिल कर पाई, इट इज नॉट विद द इंटेंशन टू स्पॉइल द लाइवलीहुड ऑफ मुस्लिम्स। तो ये और एक अहम सवाल है, आप लोग बीजेपी में हाउ डज द सोसाइटी लुक एट यू, सोसाइटी कैसा देखते हैं आप बीजेपी में? अभी जो है सोसाइटी जो है हमने अपना लिए कैसा आपको सोशल बैकअट नहीं नहीं पहले किए थे अपनी, पहले क्या है देखो आपको पहले एज यू नो पॉलिटिक्स होता नहीं भाई, वी डोंट वांट टू गेट इनटू इन्वॉल्वड इनटू पॉलिटिक्स, वेरी डर्टी करके बोला था ना, एक पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी करके बोलको बोला देते थे, तो कोई भी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते थे राहुल गांधी। अब कांग्रेस धूप की धूली नहीं है, दे हैव गॉट देयर ओन प्रॉब्लम्स, और बीजेपी में ऐसा क्या भी नहीं है कि तुम ना बीजेपी इज बैड करके बोलको, अब हर एक कंपनी का हर एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, वो आइडियोलॉजी वो मैनिफेस्टो के ऊपर पार्टी चलती है, अब उसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अब हमारी जो कम्युनिटी में है there was lot of misinformation, पहली बात क्या था misinformation के अलावा उनकी जो ideology है हम लोग मुसलमान लोग उसके खिलाफ है कि ideology है, उस ideology को आप अपना रहे हैं? नहीं हमें देखो क्या है ideology पार्टी के है, ठीक है हमें तो आपके नहीं है पार्टी के साथ नहीं, आपके नहीं, नहीं हमें पार्टी के साथ नहीं, बट क्या है देखो पार्टी कभी भी नहीं बोल रही कि मुसलमान खराब करके बोल को, पार्टी नहीं बोल रही कि मुसलमान को मार डालो बोल को, हमारे कौम की कमियां ही कैसा, अब फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक का मसला आया, हमारे कौम के जो काबिल उलमा लोग गलत फतवे दे रहे, हर एक उलमा उनके हिसाब से फतवा दे रही, तो यहाँ गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ ये तो गवर्नमेंट से गाइडेंस दे पाए, ट्रिपल तलाक के बारे में बोल रहे हैं तो अच्छा किए, तो ट्रिपल तलाक देने वाले को अगर वो बुला दिया तो कानूनी एतबार से भी तलाक नहीं होता, शरिया के हिसाब से भी तलाक नहीं हुआ, लेकिन जो पुकारने वाला उसकी जेल क्यों, उसके लिए लोग परेशान है, अगर वो पुकार दिया 3 साल जेल गया तो उसकी जो बीवी वो फिर अपनाएगा, वो बीवी कहाँ जाएगी 3 साल, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, अब उसका मसला क्या है, अब क्या है, अब उसमें क्या है, देखो ये इतना पेचीदा मसला आपको खड़ा कर रही है हमारे उलमा इकराम भी, उलमा इकराम का इसमें नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, अगर वो शख्स नहीं वो शख्स अगर जेल चला गया उसकी बीवी को कौन देखेगा, उसके बच्चे को कौन देगा, 3 साल वो कहाँ रहेगी, क्या रहेगा, ट्रिपल तलाक का मसला उठाने वाला को नहीं, मर्जी आरिफ मोहम्मद खान है वो सब पता है, ठीक है, तो आज ये मिला ट्रिपल तलाक नहीं होने का, कम से कम आज तलाक का रेशो तो कम होगा, कम से कम डर है तलाक को करने से या भाई को बच्ची जिंदगी खराब करने से, अच्छा मतलब क्या एक माहौल पहले क्या होता था, जो शादी का था शोहर कांग रहता था, मैं तलाक दे दिया बोला तो भी वो अच्छी
जब तलाक ही नहीं होता, जब कोर्ट नहीं मानती वो तलाक, तीन तलाक अगर वो बुलाने से फौरी तलाक जब तीन टाइम बुलाएगा तो कानूनी एतबार से अभी तलाक नहीं होगा, शरीयत पे नहीं होगा, तो फिर उसको सजा क्यों? देखिए एक सरकार की तरफ से एक ऑफेंस करके है, मतलब एक गुनाह है करके, वो गुनाह करने पर सजा होती है, वही इसमें है। अच्छा, और पुकारने वाले के ऊपर भी है। और जो 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 गाय कशी में अगर कोई गाय काटा तो अगर बेचा उसके आगे उसे रेड मारा तो उसे भी साथ साथ, देखिए उसमें कानून नहीं, कशी में कानून है, वो कानून के हिसाब से अब चलिए तो कोई उसमें फंसने की चांस ही नहीं है, तो सिर्फ कानून हमारे लिए नहीं। आज हमारे दफ्तर बीजेपी अखिलेश लीडर आए, एक अच्छी गुफ्तगु हुई माइनॉरिटी इश्यूज पर, उसका पहला पार्ट अभी आप देख चुके हैं, इसका अगला पार्ट कल हम दिखाएंगे। जब तक देखते रहिए नशे में न्यूज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।